मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़े पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख, मेहनत करता जा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यूपी के जनपद मऊ से, जहाँ एक बुनकर परिवार ताना बाना कर किसी तरह अपने परिवार को चलाता था। लेकिन इसी परिवार के एक बच्चे ने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसके बाद परिवार के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन हो गया। दरअसल नवापुरा पूरब मोहल्ले के रहने वाले इम्तियाज अहमद के बेटे शाह फहद ने इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हुआ। बताया जा रहा है कि इम्तियाज अहमद एक बुनकर है, जो इस आर्थिक मंदी में अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, जिसके बाद इम्तियाज अहमद के बेटे ने जनपद का नाम रोशन किया। अब हमारे तीन लड़के थे, तो हमारी एक इच्छा हुई, कारगिल युद्ध चल रहा था उस वक्त से, हमारी इच्छा हुई कि हम भी अपने एक बच्चे को देश सेवा में दें। तो ये हमारा सबसे छोटा लड़का था, तो हमारा ये हमारा उद्देश्य ये था कि ये भी पढ़ लिख के सेना में हो जाए। तो ये पढ़ता गया और इस तरह इसको मैंने सैनिक स्कूल रीवा में भर्ती कराया, वहाँ पर एंट्रेंस देके फिर वहाँ से इसने इंटर पास किया। इंटर करने के बाद ये वहाँ से एनडीए की परीक्षा इसने दी और इंटर की परीक्षा देने के बाद ये आईएनए अजरीमाला केरल में ये पोस्टिंग आ रही है। परिवार वालों में खुशी का माहौल है, घर पर लोगों का बधाई देने का तांता लग गया, तो परिवार वालों ने भी बेटे शाह फहद को मिठाई खिलाकर बधाई दी है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया, इसके मेरे पूरी फैमिली ने मुझको बहुत सपोर्ट किया हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे मोटिवेशनल हो, एवरी एस्पेक्ट एवरी वे दे हैव सपोर्टेड मी। देखा जाता है कि जो बुनकर होता है ना, तो वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाता है ना बच्चों को आगे बढ़ाता है, फिर भी आपके पापा ने आपको आगे बढ़ाया। इसमें सबसे पहला रीज़न है कि मेरे पापा का ये बरसों का सपना था, क्योंकि वो भी कभी पुलिस में होना चाहते थे और हो भी गए थे, बट दादी ने मना कर दिया। तो उनका एक पुराना सपना था कि मैं भी अपने एक बेटे को देश सेवा में डालूं। तो पापा ने बचपन से ही मुझको हमेशा प्रेरित किया था कि तुमको भारत माँ की सेवा करना है, भारत के लिए कुछ करना है। तो बस वही मैं अपने मन में लिए आज यहाँ पर। क्या कारोबार होता है आपके घर में? मेरे पापा एक बुनकर हैं, साड़ी का कारोबार होता है, मेरे भाई वगैरह उसी में पापा की हेल्प करते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? जिंदगी में कोई भी काम करने में मेहनत जरूरी लगती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। मेहनत करने का उद्देश्य जीवन यापन से जुड़ा होता है। हाँ, मेहनत का परिणाम कई बार देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, जिसका उदाहरण खुद शाह फहद है, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा और उन्होंने वो हासिल किया जो वो चाहते थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।